खबरों में बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के, जहां पर नगर परिषद के आज सभापति पद के उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज नामांकन दाखिल में कांग्रेस की कार्यवाहक सभापति मंजू पोखराना तथा भाजपा की ओर से मंजू चचाना ने नामांकन दाखिल किया है और वहीं निर्दलीय साइना अख्तर ने भी नामांकन भरा है। आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि दोपहर 1 बजे नामांकन की वैधता की जांच की जाएगी, उसके बाद 3 से 5 बजे तक मतदान होगा। नगर परिषद के अंदर चल रही रुकावटों को देखते हुए मैंने भी आज निर्दलीय से सभापति पद के लिए अपना निर्वाचन पत्र दिया है। ये मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही अपनी सोच रखूँगी कि भीलवाड़ा शहर का विकास हो और सभी पार्षदों का सम्मान हो और जिस तरह इस दिल गुटबाजी जो हो रही है वो समाप्त हो जाए और इसीलिए शहर के विकास को प्राथमिकता देते हुए मैंने अपना निर्वाचन पत्र सबमिट किया है। बाद में उठाओगे तो नहीं? बाद की जो प्रक्रिया होगी वो मैं मद्देनजर रखूँगी और उठाना भी कोई बात हुई तो मैं पहले शहर के विकास को प्राथमिकता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा। नाम और वार्ड? मेरा नाम शाहीन अख्तर, वार्ड नंबर 34। हाँ मैडम बताइए। बस आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, जो मैंने फॉर्म भरा है और जो भी आज सामने आएगा वो तो है। हम तो इतना ही चाहेंगे भी बढ़िया हो, अच्छा हो, बढ़िया। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी आपकी? हाँ, पहले चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, मना कर दिया था आपने पार्टी को? ठीक, क्या बस अब होता है, तब कभी हाँ ना ये चलता रहता है, ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं था, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। इस हिसाब से हमारा चला भी, सबको मौका दो, लेकिन जो भी स्थितियाँ होती है, जैसे पार्टी का आदेश होगा, पार्टी के आदेश के अनुसार हमने काम किया है। तो मैडम, ये जो पार्टी बीजेपी की टूट के आपके पास आ रहे हैं, हमने सुना है? नहीं ऐसा, मेरे को देखो वो तो अंदर आएगा जब हम कैसे, ऐसा नहीं, ऐसा हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। आप कैसे जीत पाओगे? जीतने के लिए थोड़ी सब कुछ होता है, कभी कभी जो भी होता है सब व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। पार्टी का आदेश सर्वोपरि।